इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में आज राजनीति का सुपर संडे है। आज बंगाल में क्लैश ऑफ पॉलिटिशियंस हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी आज रैली करने वाले हैं, तो वहीं सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी पद यात्रा निकालेंगी। मोदी की रैली में 15 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है, तो वहीं ममता बनर्जी की पद यात्रा पेट्रोल डीजल एलपीजी और सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ होगी। मोदी की रैली के लिए बंगाल के कोने कोने से बीजेपी वर्कर्स का कोलकाता में जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, और वहीं ममता बनर्जी की रैली में महिलाएं सिर पर एलपीजी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने वाली हैं। तो ममता होंगी उत्तर बंगाल में और मोदी होंगे हार्ट ऑफ बंगाल यानी कोलकाता में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोड शो। बंगभूमि आज देश के दो सबसे बड़े सियासी सुरमाओं की गर्जना का गवाह बनने जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ पद यात्रा करने वाली है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे, और बंगाल की नब्ज टटोलने की सबसे मुफीद जगह है कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां उमड़ने वाली है ऐसी भीड़ जैसी शायद इससे पहले कभी नहीं आई हो। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आज जब पीएम मोदी गरजेंगे तो विरोधियों को मैसेज लाउड एंड क्लियर मिलेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री के इस मेगा शो को ग्रांड बनाने के लिए जोरदार तैयारियां की। खुद पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सड़क पर उतरे और लोगों को पीएम की रैली में आने के लिए निमंत्रण बांटा। जनता में जो जोश है, जो उत्साह है, जो मोदी जी के प्रति आस्था है, उसे देखते हुए हमें लग रहा है कि पिछली बार से भी डबल रैली होगी, और जिलों के अंदर बस नहीं है लोगों को लाने के लिए, तो संसाधन भी कम पड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं को। तो मुझे लगता है कि जनता में बहुत प्यार है मोदी जी के प्रति, बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पिछली बार से डबल लोग आएंगे। बीजेपी का दावा है कि कोलकाता की आज की रैली ऐतिहासिक होने वाली है। आज की रैली में जितने लोग पीएम को सुनने पहुंचेंगे, उतने लोग आज से पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहले कभी नहीं आए होंगे। विशाल पंडाल बनाया गया है, आप देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। 15 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। इसी मैदान से 1980 से 90 के दशक में जिस वक्त ममता बनर्जी का करियर राजनीति के पीक पर पहुंच रहा था, उस वक्त यहीं से ममता बनर्जी ने आह्वान किया था कि पश्चिम बंगाल में बदला नहीं, बदलाव चाहिए, और इस बदलाव के तहत कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी सत्ता को हिला के रख दिया था ममता बनर्जी ने। और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान से रैली करने वाले हैं, तो लोगों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में एक बदलाव की बयार आ सकती है। कोलकाता में पीएम की रैली की तैयारी है, तो यहां से करीब 575 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता की पदयात्रा की तैयारी है। पीएम मोदी की रैली से पहले ममता सिलीगुड़ी में तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी। इसके लिए ममता बनर्जी कल जब बागडोगरा पहुंची तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में जब गरजेंगे तो उससे करीब एक घंटे पहले ममता बनर्जी सिलीगुड़ी की सड़कों पर होंगी। दल बल के साथ पथ यात्रा करेंगी। ममता पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम में इजाफे का विरोध करेंगी और मोदी सरकार पर निशाना साधेंगी। মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় ইস্যু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সিলিন্ডার নিয়ে মিছিল করব, সিলিন্ডারের প্রতিবাদে, যেটা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে 925 টাকা দাম হয়ে গেছে, গতকালও বেরিয়েছে, খাদ্য বিনা পয়সায়, চাল ফ্রিতে, আর গ্যাসের আগুন হচ্ছে আগুনের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর। মমতা কি পদযাত্রা মে টিএমসি সাংসদ মিমি চক্রবর্তী কে সাথ পার্টি কি কই দূসরি মহিলা নেতা আর অভিনেত্রিয়া ভি শামিল হোঙ্গি। পদযাত্রা মে মহিলায়ে खाली गैस सिलेंडर लेकर चलेंगी। ब्रिगेड ग्राउंड की रैली बंगाल बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। नेता, अभिनेता, सितारे भी जमीन पर उतर आए हैं। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি আগামী 7ই মার্চ কলকাতায় আসছেন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি নিরলস পরিশ্রম করছেন সেই প্রধান সেবককে স্বাগত জানানোর জন্য আসুন আমরা সবাই একত্রিত হই আগামী 7ই মার্চ দুপুর 12টার সময় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड ग्राउंड पर होंगे तो यहाँ की एक एक तस्वीर पर दीदी की नजर होगी। कयासों का बाजार बहुत गर्म है। कहा जा रहा है कि आज इस मंच पर बीजेपी अपने ट्रंप कार्ड को उतार सकती है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा मिथुन चक्रवर्ती की है। कल रात कैलाश विजयवर्गीय मिथुन चक्रवर्ती से मिले और चर्चा की। आज मिथुन प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आ सकते हैं। क्या मंच पर बड़े चेहरे दिखाई दे सकते हैं? मिथुन जी से आपकी बात हुई है? पर मिथुन दास से बात हुई और प्रधानमंत्री जी से मिलने की उन्होंने इच्छा भी प्रकट की है, बाकी और कोई विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। रैली बिना विघ्न संपन्न हो, पीएम मोदी की हुंकार लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ब्रिगेड मैदान में खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के पोडियम के सामने 4 स्तरीय बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मुख्य मंच के साथ 2 और छोटे मंच होंगे। एक स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए होगा, दूसरा मंच मीडिया कर्मियों के लिए होगा। आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कई इलाकों में मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। मतलब ये कि आज बंगाल के सियासी संग्राम में बेहद अहम दिन है। बीजेपी और टीएमसी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। इस शक्ति प्रदर्शन में जो भारी नजर आएगा उसे अंदाजा लग जाएगा कि हवा किस तरफ बह रही है, 2 मई को क्या होने वाला है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, कोलकाता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।